नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एग्ज़ाम आर पार में। और आप सभी लोगों को दोस्तों होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं दोस्तों, यानी जो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956, यानी मैं आप लोगों को बताऊँगा भारतीय विद्युत नियम के बारे में दोस्तों। इसमें आजकल आप देखिएगा दोस्तों, जो आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो या इलेक्ट्रिशियन TG2 के आपके एग्ज़ाम जो होते हैं, उसमें जो जनरली जो क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा रहे हैं, चाहे UPPCL की बात करूं मैं, चाहे UPRVNL की बात करूं, चाहे DMRC की बात करूं, जो भी आपका एग्ज़ाम है दोस्तों, आजकल जो क्वेश्चन है सब ने अपने पैटर्न को चेंज किया है। और ज़्यादातर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आपके इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, यानी वैद्युतिक वायरिंग से भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि स्विच बोर्ड की हाइट क्या होनी चाहिए, बोर्ड की हाइट क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, लाइट की हाइट क्या होनी चाहिए, फ़ैन की हाइट क्या होनी चाहिए। तो इसमें जनरली आपको केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही दोस्तों आपके लिए मैं लेके आया हूँ, बहुत सारे आपको मेहनत लगी इसमें, अलग अलग जगह से क्वेश्चन अब मैंने इसको आपके लिए छाटे, तब जाके मैंने इसको एक जगह कंपाइल करके तब मैं आपको एक जगह आपको लिए लेके आया हूँ दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956। पहला बात करता हूँ मैं आपसे वोल्टेज से संबंधित नियम, यानी लो वोल्टेज निम्न वोल्टेज में देखते हैं कि 250 वोल्ट से नीचे की वोल्टेज को निम्न वोल्टेज कहते हैं। इसके अंतर्गत 200 वोल्ट, 230 वोल्ट, 240 वोल्ट और 250 वोल्ट आदि आती हैं। यानी निम्न वोल्टेज कहाँ तक रहेगी दोस्तों, 250 वोल्ट से नीचे की जो वोल्टेज रहेंगी आपकी निम्न वोल्टेज में रहेंगी। अगले की बात करते हैं मीडियम वोल्टेज की, तो जो मध्यम वोल्टेज होती है दोस्तों आपकी, मीडियम वोल्टेज 250 वोल्ट से तथा 650 वोल्ट के बीच, यानी 250 से ऊपर और 650 वोल्ट के बीच तक की जो वोल्टेज होंगी उन्हें हम मध्यम वोल्टेज कहेंगे। इसके अंतर्गत 340/200 वोल्ट, 340/220 वोल्ट, 400/200 वोल्ट या 420/220 वोल्ट आदि डीसी तार मां तीन तार मानक प्रदाय वोल्टेज भी आती हैं, ठीक है दोस्तों। अगले की बात करते हैं उच्च वोल्टेज यानी हाई वोल्टेज की श्रेणी कहां से कहां तक रहेगी आपकी, तो 650 से लेकर 33 केवी तक की जो वोल्टेज होगी हमारी दोस्तों वो रहेगी हमारी हाई वोल्टेज में आती है। और इसके अंतर्गत 1.1 केवी, 2.2 केवी, 3.3 केवी, 6.6 केवी, 11 केवी, 22 केवी, 33 केवी आदि मानक वोल्टेज आती हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि लो वोल्टेज कहाँ तक होती है, मीडियम वोल्टेज जिसे कहते हैं हाई वोल्ट, और हाई वोल्टेज कहाँ तक होती है, तो लो वोल्टेज 250 तक रहेगी, 250 से 650 तक मीडियम रहेगी और हाई 650 से लेकर 33 केवी तक हाई रहेगी। और दोस्तों इसमें एक आती है हमारी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, यानी इसको बोलते हैं अति उच्च वोल्टेज। तो ये दोस्तों रहती है सामान्य 33 केवी से ऊपर, ठीक है दोस्तों, यानी 33 केवी से ऊपर, यानी 33,000 वोल्ट से ऊपर की जो वोल्टेज होंगी उनको हम किस श्रेणी में रखेंगे, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की श्रेणी में रखेंगे। इसके अंतर्गत 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी या तथा 765 केवी तक की वोल्टेज आती है दोस्तों, ठीक है ना, यानी जो 765 केवी का जो ट्रांसमिशन है दोस्तों वो आपका AC ट्रांसमिशन है ना, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और 700 केवी का जो ट्रांसमिशन होता है, 715 या 700 केवी की बात करूँ तो वो DC ट्रांसमिशन है दोस्तों, आपको ये चीज़ कंपाइल, यानी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। यानी 765 केवी का क्या ट्रांसमिशन है हमारा, AC ट्रांसमिशन है, और 700 केवी की बात करें तो वो DC ट्रांसमिशन में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। और लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में याद रखना है कि किसको कौन सी श्रेणी में कौन सी वोल्टेज आती है। अब जो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, जनरल ये तो पूछ ही लेता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टैंडर्ड, जो आपको टेबल दिखा रहा हूँ दोस्तों मैं, स्टैंडर्ड वोल्टेज और एक तरफ लिखा है हमने वोल्टेज चेंज इन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, यानी वोल्टेज में अनुमान परिवर्तन, स्टैंडर्ड वोल्टेज रहेगी कितने 250 वोल्ट में कितना परिवर्तन करेंगे, मध्यम वोल्टेज में कितना परिवर्तन करेंगे, 33 की 33 की वोल्टेज में कितना परिवर्तन करेंगे और अति उच्च वोल्टेज में कितना परिवर्तन हम कर सकते हैं, वो है दोस्तों ये, ठीक है। तो बात करता हूँ सबसे पहले मैं आपका निम्न वोल्टेज में, यानी निम्न वोल्टेज में ±6% हम चेंज कर सकते हैं। बात करूँ मैं आपकी मध्यम वोल्टेज की, तो मध्यम वोल्टेज जो है आपकी दोस्तों 650 वोल्ट तक होती है और इसमें ±6% का चेंज हम कर सकते हैं। अगली बात करता हूं मैं आपसे उच्च वोल्टेज जो आती है आपकी 33 केवी तक आती है और इसमें जो अनुमान यानी चेंज जो मैं कर सकता हूं ±6% से लेकर ±9% तक, यानी हाई वोल्टेज में दोस्तों याद रखना आपको, हाई वोल्टेज में ±6 से ±9% तक क्या कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं वोल्टेज में। और एक्स्ट्रा वोल्टेज की बात करें दोस्तों, यानी 33 केवी से ऊपर की लाइन जो होगी हमारी, वोल्टेज होगी हमारी, उसमें जो मैं चेंज कर सकता हूं दोस्तों अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, यानी भारतीय विद्युत अधिनियम या नियम 1956 के अकॉर्डिंग, तो ±12.5%, यानी 12.5% में क्या कर सकता हूँ उसमें दोस्तों चेंज कर सकता हूँ। ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन में, कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन में आपसे पूछी जा चुकी है।
आपको जनरल इस चीज़ का पता होना चाहिए। और कई बार आपसे फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन पूछा जाता है तो प्लस माइनस 3% हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी में कितना परिवर्तन होता है दोस्तों? प्लस माइनस 3%, यानी 51.5 कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी भारतीय 50 हर्ट्ज होती है, अगर 3% में बढ़ाऊंगा तो 51.5 हो जाएगी, घटाऊंगा तो मैं 48.5 हो जाएगी। इतना परिवर्तन हो सकता है दोस्तों, इससे ज़्यादा परिवर्तन हमारा नहीं हो सकता, ठीक है ना, आपको याद रखना है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि देखिए दोस्तों, वैसे हमारा पिछली बार जो UPPCL का पेपर था, अभी JEE का पेपर हुआ था, तो उसमें जो उन्होंने आंसर दिया था उसका 1% दिया था, ठीक है ना, कि यदि फ्रीक्वेंसी में चेंज करना हो तो कितना परसेंट चेंज कर सकता हूँ, तो प्लस माइनस कितना 1% चेंज कर सकते हैं, उन्होंने ये आंसर दिया था दोस्तों। बल्कि होता कितना है हमारा, प्लस माइनस 3% चेंज होता है फ्रीक्वेंसी में, आपको ये भी याद रखनी है बात। आइए अगले और अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगली बात करते हैं इसमें चलने में, यानी तार स्थापन के समय मान्य नियम। अब वायरिंग के नियम है दोस्तों हमारे किसके लिए? तार स्थापन के लिए, ठीक है ना, यानी तार स्थापन के लिए सामान्य नियम, जनरल रूल्स ऑफ वायरिंग के लिए क्या होते हैं दोस्तों? सामान्य रूल आते हैं, ये भी किसके अकॉर्डिंग आते हैं? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अनुसार ही दोस्तों अकॉर्डिंग ये सब आते हैं, आपको इस चीज़ का याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो आजकल जो जनरली जो रूल चल रहा है वो हम लगाते हैं दोस्तों 2003 एक्ट, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। कौन सा लगाते हैं जनरली आजकल हम? 2003 एक्ट के द्वारा पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला पॉइंट है, किसी संस्थापन में तार स्थापन करते समय निम्नलिखित सामान्य नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम आता है हमारा कि एनर्जी मीटर की फर्श से ऊँचाई, एनर्जी मीटर की फर्श से ऊँचाई 1.5 मीटर होती है, तथा एनर्जी मीटर को भवन में प्रवेश करते ही सुरक्षित स्थान पर लगाया जाना चाहिए। यानी ये दोस्तों एनर्जी मीटर की ऊंचाई, जो हमारा ऊर्जा मापी होता है, बिजली को मापता है हमारे घर में जो मीटर लगे होते हैं, उसकी फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर होनी चाहिए, और एनर्जी मीटर को भवन में प्रवेश करते ही एक सुरक्षित स्थान पर लगाया जाना चाहिए, जहाँ पर दोस्तों सुरक्षित का मतलब है सुरक्षित स्थान पर लगे, और जहाँ पर उसकी सामान्य हम जनरली तौर पर आसानी से रीडिंग भी नोट कर सकें, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा कि एनर्जी मीटर के तुरंत बाद एक मुख्य स्विच का वितरण बोर्ड लगाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। क्या लिखा है? एनर्जी मीटर के तुरंत बाद एक मुख्य स्विच का वितरण बोर्ड लगाना चाहिए, उससे ऊंचाई भी 1.5 मीटर होगी। क्या होनी चाहिए दोस्तों? उसकी ऊंचाई भी 1.5 मीटर होनी चाहिए, है ना। एनर्जी मीटर के तुरंत बाद एक मुख्य स्विच यानी मेन स्विच बार डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना चाहिए, जिसकी फर्श से ऊंचाई भी कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 1.5 मीटर होनी चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा, नहीं अगला रूल में आता है हमारा, मेन स्विच बार डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फ्यूज रहित यानी फ्यूज यूनिट सहित होने चाहिए। क्या होने चाहिए दोस्तों? फ्यूज यूनिट सहित तो आपके होने चाहिए, मेन जो स्विच होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें फ्यूज की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला पॉइंट हमारा दोस्तों, दूर स्थित कक्षों के लिए उप वितरण बोर्ड यानी सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का उपयोग करना चाहिए। यानी जो दूर स्थित हमारे कक्ष हैं, यानी रूम कमरे वगैरह हो चाहे कुछ भी हो, तो उसमें क्या होना चाहिए? उप वितरण बोर्ड यानी सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, उनको सप्लाई देने के लिए। अगला आता है हमारा दोस्तों कि मेन स्विच व डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सही रेटिंग के होने चाहिए, ठीक है, ये डेंटिक लिखा गलती से, यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों? सही रेटिंग के होने चाहिए, ठीक है ना। अगला पॉइंट हमारा कि लाइट फैन परिपथ व शक्ति परिपथ अलग अलग होने चाहिए। जो लाइट सर्किट है हमारे, लाइट और फैन की बात करूँ, यानी जो लाइटिंग लोड है हमारा जनरली, लाइटिंग परिपथ के लिए वायरिंग अलग होनी चाहिए, और शक्ति परिपथ यानी पावर सॉकेट वगैरह की बात करूँ, गीजर की बात करूँ मैं, एयर कंडीशनर की बात करूँ दोस्तों, तो उसके लिए अलग से परिपथ होना चाहिए, अलग से लाइन हमारी डलनी चाहिए हमारी, ठीक है दोस्तों। और अगला पॉइंट हमारा कि लाइट फैन व 5 एम्पियर सॉकेट का परिपथ के लिए 10 बिंदु से और 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन ये पेपर में आ चुका है दोस्तों, यानी जो लाइट और फैन हमारा जो सॉकेट देखिए दोस्तों हमारे जो घर में स्विच बोर्ड वगैरह होते हैं उसमें हम कितना लोड डाल सकते हैं, ठीक है ना। लाइट व फैन 5 एम्पियर सॉकेट का एक परिपथ के लिए उसमें दोस्तों मैक्सिमम कितने पॉइंट हो सकते हैं? 10 पॉइंट हो सकते हैं। कितने पॉइंट हो सकते हैं हमारे? 10 पॉइंट हो सकते हैं, और 800 वाट से लोड अधिक नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है दोस्तों। ये अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स रहेगा, आपको याद रखना है। जो घर में हमारे सब बोर्ड लगे होते हैं, घर में हमारे सब सर्किट जिन्हें बोलते हैं हम, जो हमारे रूम्स वगैरह में हमारे जो बोर्ड होते हैं लाइट फैन चलाने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, उसमें जो 5 एम्पियर सॉकेट का परिपथ के लिए बात करूं मैं आपको, 10 बिंदु से अधिक नहीं होने चाहिए और 800 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही आता है कि हमारा शक्ति परिपथ में एक परिपथ के लिए 15 एम्पियर के 2 बिंदु, यानी जो हमारे अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे, एक सॉकेट 5 एम्पियर का होता है, क्या होता है? 15 एम्पियर का होता है। तो एक 15 एम्पियर का स्विच और एक 15 एम्पियर का सॉकेट आप लोगों ने देखा होगा, यानी पावर वायरिंग में आ जाता है। किस में आता है दोस्तों? वो पावर वायरिंग में आ जाता है। तो शक्ति परिपथ में एक परिपथ के लिए 15 एम्पियर के 2 बिंदु या 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यानी आपको इस चीज़ का याद रखना है कि जो हमारा, बात करूँ मैं आपसे, जो हमारा एक स्विच 15 एम्पियर पावर और एक ही सॉकेट, यानी जो 2 पॉइंट ले लगेंगे, 2 पॉइंट हम कहीं लगाएंगे तो उसके पावर परिपथ में आएगा हमारा, और इसमें अधिकतम पॉइंट कितना हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं,
और इन पर आज मैक्सिमम लोड कितना हो सकता है दोस्त, 3000 वाट, यानी 2 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए और 3000 वाट से लोड ऊपर इसमें अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का उल्लंघन इसमें हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट पर बढ़ते हैं कि वैद्युतिक वायरिंग में प्रयुक्त सहायक सामग्री ISI चिन्ह युक्त होनी चाहिए, यानी एक दोस्तों सामग्री जो यूज़ करेंगे वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ISI की फुल फॉर्म क्या हो जाती है दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से क्या हो जाती है दोस्तों, फुल फॉर्म हो जाती है, ठीक है, क्या होती है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, कई बार पूछी जाती है दोस्तों आपसे, ठीक है ना, यानी ISI युक्त सामग्री आपको ट्रेडमार्क जो होता है वो होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं कि प्रकाश पंखा परिपथ के लिए 1.5 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम का चालक हुआ शक्ति परिपथ के लिए 2.5 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम चालक से कम माप का नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यानी लाइटिंग सर्किट के लिए अगर हम एल्यूमिनियम का वायर का यूज़ करेंगे तो 1.5 mm स्क्वायर का वायर होना चाहिए, और अगर पावर परिपथ के लिए हम एल्यूमिनियम चालक का यूज़ करेंगे तो उसमें दोस्तों 2.5 mm स्क्वायर का वायर हमें यूज़ करना चाहिए, इससे उसकी रेटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगले पॉइंट पर आते हैं कि नियंत्रण स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई 1.25 मीटर होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, यानी नियंत्रक जो स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए 1.25 मीटर होनी चाहिए, और यह कक्ष के प्रवेश द्वार के निकट बाई ओर स्थापित किया जाना चाहिए, यानी जैसे ही हम कमरे में घुसेंगे दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होना चाहिए हमारा एक बोर्ड होना चाहिए जिसकी जमीन से ऊंचाई 1.25 मीटर होनी चाहिए। अगला पॉइंट हमारा दोस्तों कि स्नान घर में स्थापित लैंप आदि का स्विच स्नान घर के बाहरी दीवार पर स्थापित किया जाना चाहिए, और यदि स्नान घर के अंदर स्विच स्थापित करना आवश्यक हो तो वह पूर्णतः जलरोधी यानी दोस्तों वाटर प्रूफ होना चाहिए, ठीक है ना। अगला पॉइंट आता है हमारा, यानी अगला रूल है हमारा कि गैलरी बरामदा पोर्च टेरेस बालकनी आदि में स्थापित लाइट का स्विच यथासंभव घर के अंदर स्थापित किया जाना चाहिए, यदि स्विच घर के बाहर स्थापित करना आवश्यक हो तो यह भी क्या होना चाहिए दोस्तों पूर्णतः जलरोधी एवं वायुमंडलीय प्रभाव से अवमुक्त वेदर प्रूफ प्रकार का दोस्तों होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि पंखे की फर्श से ऊंचाई कितनी होती है, यानी कितनी रखी जानी चाहिए दोस्तों, तो कितनी रखी जानी चाहिए दोस्तों 2.5 मीटर होनी चाहिए, ये जरूर आप याद रखना, ठीक है दोस्तों, कितनी रखी जानी चाहिए 2.5 मीटर होनी चाहिए। और प्रकाश बिंदु की फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो प्रकाश बिंदु की फर्श से ऊंचाई होनी चाहिए आपकी दोस्तों 2.5 मीटर, कितनी होनी चाहिए दोस्तों 2.5 मीटर होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना, आपको याद रखना है, ये जो है पॉइंट आपको बताया है कई बार आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है ना, कई बार आप लोगों से क्या हुआ दोस्तों पेपरों में पूछा गया है, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई, यानी जो स्विच बोर्ड होता है फर्श से ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों, अभी आप लोगों को बताया था मैंने कि जब रूम में एंटर करेंगे तो बाई तरफ मैंने आपको बताया था ना कि 1.25 मीटर, तो ये भी यही होगी, यानी स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई 1.25 मीटर होनी चाहिए। अगला पॉइंट हमारा कि 5 एम्पीयर सर्किट की फर्श से ऊंचाई 1.25 मीटर होनी चाहिए, भी कितनी होनी चाहिए दोस्तों 1.25 मीटर ही होनी चाहिए। अब जहां पे दोस्त आप बोर्ड लगाएंगे वहीं पे तो सॉकेट लगाएंगे ना, तो इसकी ऊंचाई भी क्या रहेगी 1.25 मीटर ही रहेगी। अगला पॉइंट हमारा कि 15 एम्पीयर सॉकेट की फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर या 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोस्तों, कितनी होनी चाहिए आपकी 15 एम्पीयर सॉकेट की फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर होनी चाहिए, ठीक है, आप लोगों को इसका याद रखना है। और अगला पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 14 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज GI वायर अर्थिंग के लिए पूरी वायरिंग उपयोग होना चाहिए, तो जो दोस्तों अर्थिंग वायर का साइज क्या होना चाहिए हमारी अर्थिंग के लिए वायरिंग के लिए जनरली आपको याद रखना है दोस्तों 14 SWG, क्या होना चाहिए दोस्तों 14 SWG, और SWG क्या होता है दोस्तों स्टैंडर्ड वायर गेज होता है जिसकी रेंज क्या होती है दोस्तों आपकी 0 से 36 SWG तक होती है, ठीक है दोस्तों। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा कि वायरिंग में प्रयुक्त सभी धात्विक आवरण, यानी वायरिंग में प्रयुक्त सभी धात्विक आवरण यानी मेटलिक कवरिंग आवश्यक रूप से अर्थ किए जाने चाहिए, यानी जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो होता है दोस्तों आपको पता होगा आयरन क्लैड, यानी आयरन क्या होता है बना हुआ जो बॉक्स होता है उसका, ठीक है ना, तो उसको क्या होना चाहिए दोस्तों आवश्यक रूप से अर्थ होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिकल में जो भी हमारी बॉडी आयरन की होगी और हम यूज कर रहे हैं तो उसको क्या होना चाहिए दोस्तों अर्थिंग की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, पूर्ण रूप से उसको अर्थ किया जाना आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा कि अर्थचालक यानी अर्थ वायर में कोई फ्यूज या स्विच आदि संयोजक नहीं होना चाहिए, यानी जो अर्थिंग वायर होता है दोस्तों हमारा उसमें कोई फ्यूज या स्विच वगैरह कोई कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा लाइव या फेस चालक में फ्यूज लगाया जाना चाहिए और सभी प्रकार की नियंत्रक युक्तियां स्विच आदि भी इसी पर स्थापित की जानी चाहिए, यानी जो लाइव कंडक्टर होता है जिसको हम फेस वायर बोलते हैं दोस्तों इसी पर हमें स्विच लगाना चाहिए, है ना, फ्यूज स्विच यानी सभी प्रकार की जो कंट्रोलिंग डिवाइस होंगी सब किस पर लगेंगी हमारी फेस पर लगनी चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों कि प्रत्येक उपरिपथ का वितरण बोर्ड अलग होना चाहिए, यानी प्रत्येक उपरिपथ का वितरण बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए दोस्तों अलग
होना चाहिए, और वायरिंग करने से पूर्व उसका लेआउट तथा परिपथ तैयार कर दिया जाना चाहिए, यानी जो वायरिंग करने से पूर्व भी उसका क्या होना चाहिए दोस्तों, रेडी लेआउट तथा परिपथ तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा कि लाइट एंड फैन तथा पावर वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के अंतर्गत ही की जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी लाइट और फैन की जो पावर विद्युत वायरिंग की स्थापना जो करेंगे किस अधिनियम के तहत होनी चाहिए, 1956 के अकॉर्डिंग ही की जानी चाहिए। अगला पॉइंट हमारा कि थ्री फेज लाइन में यथासंभव प्रत्येक फेज पर लोड संतुलित रखना चाहिए और तीनों फेजों को क्रमशः लाल, पीले, नीले यानी रेड, येलो और ब्लू रंग द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए और इन रंगों के तार का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी जो हमारा थ्री फेज सिस्टम होगा दोस्तों, जहाँ पर हम थ्री फेज की वायरिंग करेंगे, हमें यही करना चाहिए कि देखिए अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल कि हम कलर कोडिंग का ही ध्यान रखें, रेड, येलो, ब्लू तार का यूज़ करें। ठीक है ना, इसी का हमें याद रखना चाहिए। और प्रत्येक लोड पर क्या रखें दोस्तों, लोड को बैलेंस रखें, यानी लोड क्या रखें, बैलेंस लोड रखें, यानी संतुलित की अवस्था रहनी चाहिए, नहीं तो लोड क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा अनबैलेंस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक लोड पर क्या होना चाहिए, समान लोड होना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों कि प्रकाश पंखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको याद रखना है आप कि प्रकाश पंखा परिपथ यानी लाइट फैन परिपथ में वायरिंग का क्षैतिज रन फर्श से 3.5 मीटर से अधिक सीलिंग से 0.5 मीटर नीचे रखा जाना चाहिए दोस्तों। कितना होना चाहिए, ऊपर छत से जो सीलिंग होती है हमारी 0.5 मीटर नीचे रखना चाहिए, और क्षैतिज तल में यानी क्षैतिज में आपको ध्यान रखना है, जो हमारी दीवार पे होती है वायरिंग दोस्तों, उसका आपको ध्यान रखना है कि क्या होना चाहिए, क्षैतिज रन से फर्श 3.5 मीटर से अधिक सीलिंग से 0.5 मीटर नीचे रखना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, यानी शक्ति परिपथ हेतु वायरिंग का क्षैतिज, अब ये देखिए दोस्तों, शक्ति परिपथ हेतु वायरिंग का क्षैतिज रन फर्श से 2.5 मीटर ऊंचाई पर होना चाहिए। क्षैतिज यानी वायरिंग में ध्यान रखना दोस्तों आपको कि शक्ति परिपथ हेतु वायरिंग का क्षैतिज रन फर्श से 2.5 मीटर ऊंचाई पर होना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा कि दरवाजे से 0.5 मीटर दूर स्विच बोर्ड लगाना जाना चाहिए, यानी जो दरवाजा होता है दोस्तों हमारा, उससे जो स्विच बोर्ड हम लगाएंगे वो 0.5 मीटर की दूरी पर दोस्तों हम लगाएंगे। ठीक है, आपको इस चीज़ का याद रखना है। अगला पॉइंट हमारा कि एयर कंडीशनर्स के लिए अलग से स्विच सॉकेट लगाया जाना चाहिए और वायरिंग भी अलग से होनी चाहिए, जैसे कि आप लोगों को बताया था पावर वायरिंग के लिए अलग ही वायरिंग खींचनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा कि सभी उपकरणों के धातु भाग व 3-पिन सॉकेट का 1 पिन अर्थ से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी उपकरण में के धातु भाग को क्या होना चाहिए, वह 3-पिन सॉकेट का 1 पिन अर्थ से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तभी तो क्या होगा, अगर पिन 3-पिन सॉकेट का हम सॉकेट को जो अर्थिंग पॉइंट से अर्थ से कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमारी अर्थिंग काम नहीं करेगी और हमें इलेक्ट्रिक शॉक का झटका लग सकता है दोस्तों। तो इसलिए जो हमारे सब धातु भाग होते हैं उसको भी अर्थ करें और जो 3-पिन सॉकेट है हमारा उसको भी क्या करें, उसके पिन को हम अर्थ कर देना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा कि सभी उपकरणों के धातु भाग व 3-पिन सॉकेट का पिन अर्थ से कनेक्ट होना चाहिए। और इसमें क्या है दोस्तों, अगला नेक्स्ट बात करते हैं कि बैटन वायरिंग क्लिपों की क्षैतिज रन दूर रन में 10 सेंटीमीटर तथा बैटन वायरिंग क्लिपों की दूरी क्षैतिज रन में 10 सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर रन में 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी देखिए दोस्तों कि बैटन वायरिंग जो क्लिपों की जो दूरी होती है, क्षैतिज रन की बात करूँ, क्षैतिज होता है हमारा हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर होता है दोस्तों हमारा वर्टिकल होता है, तो जो क्षैतिज रन में कितना होनी चाहिए दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ऊर्ध्वाधर रन में क्या होनी चाहिए दोस्तों 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और लास्ट पॉइंट है हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी ये तो जनरली पता ही होगा सब लोगों को कि वैद्युतिक वायरिंग यानी वायरिंग में केबिलों पर जोड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या नहीं होना चाहिए, यानी वायरिंग में केबिलों पर जोड़ नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो मैंने आप लोगों को पॉइंट बताए हैं दोस्तों, इसमें से मैक्सिमम जो आता है दोस्तों आपको कंपटीशन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी मैक्सिमम पॉइंट आपको क्या मिल जाएंगे, आपके कंपटीशन में मिल जाएंगे। ठीक है, आपको इसी का याद रखना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये मैं वीडियो आपके लिए इसलिए लेके आया था दोस्तों, क्योंकि हमारे जो प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स हैं उसमें कई बार ये इन चीज़ों से इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल से क्वेश्चन को पूछा गया है, और इसलिए मैं आपके लिए वीडियो को लेके आया था दोस्तों। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एक बार फिर से आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी तरफ से आपको हैप्पी होली और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।